चीन के एक मिसाइल विशेषज्ञ का कहना है कि भारत ने जिस इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और जो परमाणु हमले में सक्षम है, उससे चीन की सुरक्षा को सीधा खतरा है। और ये परीक्षण परमाणु निशस्त्रीकरण के वैश्विक प्रयासों के लिए एक चुनौती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य पत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी सैन्य विशेषज्ञ सोंग जिनपिंग का कहना है कि इस परीक्षण के बाद बड़े पैमाने पर इस मिसाइल का उत्पादन होगा और आने वाले सालों में इसे सेना में भी शामिल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने पिछले साल उड़ीसा के समुद्री तट के नजदीक मौजूद अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी वाली अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत ने बना जमीन से जमीन तक मार कर सकने वाला ये मिसाइल 5000 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। इस मिसाइल का पांचवा परीक्षण किया गया था। इसे तीसरी बार लगातार रोड मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा गया। इस मिसाइल के सभी पांच परीक्षण सफल रहे। अग्नि 5 इस सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल है, क्योंकि नेविगेशन, गाइडेंस, वॉरहेड और इंजन सभी के मोर्चों पर ये अपने पुराने साथियों से बेहतर मानी जाती है। डीआरडीओ का कहना है कि मिसाइल को इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि अपने रास्ते के चरम तक पहुंचने के बाद ये फिर पृथ्वी की तरफ मुड़ सकती है और उसके गुरुत्वाकर्षण बल से मदद लेते हुए अपने लक्ष्य की तरफ ज्यादा रफ्तार से बढ़ने में सक्षम है। अग्नि सीरीज मिसाइलों की अगर बात करें तो अग्नि 1 1700 किलोमीटर की है, अग्नि 2 2000 किलोमीटर की है, अग्नि 3 और 4 2500 से 3500 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। अग्नि 5 का पहला टेस्ट साल 2012 में अप्रैल के महीने में किया गया था, जबकि दूसरा परीक्षण 2013 के सितंबर में किया गया था। इस टेस्टिंग के बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे मुल्कों की कतार पर खड़ा हो गया है, क्योंकि ये सभी वो देश हैं जो एक महाद्वीपीय से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल रखते हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स के अनुसार ये मिसाइल चीन के उत्तरी इलाकों तक आसानी से पहुंचने का दावा किया जा रहा है, लेकिन चीन के जानकारों ने अग्नि 5 की मारक क्षमता को लेकर शंकाएं भी जताई हैं। एक वेबसाइट के अनुसार शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में काम कर रहे रिसर्चर्स ने कहा कि देखा जाए तो ये मिसाइल बीजिंग तक पहुंच सकती है, लेकिन भारत की मिसाइल तकनीक औसत दर्जे से कहीं नीचे है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसके बावजूद भी चीन को सतर्क रहना चाहिए, अपनी मिसाइल तकनीक को अपग्रेड करना चाहिए। उनका कहना है कि चीन को इसे खतरे की घंटी की तरह लेना चाहिए और अपनी एंटी मिसाइल तकनीकों पर काम करना चाहिए। इस वेबसाइट के अनुसार चीनी सैन्य विशेषज्ञ सोंग जिनपिंग कहते हैं कि भारत कई और तरह के हथियार भी बना रहा है और चीन से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इस तरह के हथियार बनाकर वो चीन के साथ परमाणु हथियारों की रेस में भी शामिल हो गया है। उनका कहना है कि भारत के पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है और ये परमाणु निशस्त्रीकरण संधि के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस मिसाइल टेस्ट को भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में अग्नि 5 को शामिल करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार भारत को 50 टन वजनी इस मिसाइल का पर्याप्त संख्या में उत्पादन शुरू करने से पहले अभी कुछ टेस्ट और करने हैं। शिन्हुआ के मुताबिक भारत के परमाणु जखीरे को संभालने के लिए साल 2003 में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का गठन किया गया था। पृथ्वी और धनुष जैसी कम दूरी के मार करने वाली मिसाइलों के अलावा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि 3 मिसाइलें पहले ही शामिल हैं। चीन का कहना है कि भारत चीन पर करीबी निगाह रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य सिस्टम बना रहा है और ये चीन के लिए सीधा खतरा पैदा करता है। उनके मुताबिक चीन को अपने आर्थिक और सैन्य क्षमताएं बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि हिंद महासागर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए क्षेत्र में दाखिल होने के लिए जरूरी है और साथ ही चीन को समुद्री ताकत बनाने के लिहाज से भी अहम है। ऐसे में चीन को इस महासागर में अपनी सैन्य और आर्थिक मौजूदगी का इजाफा करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से ये साफ हो जाता है कि चीन को भी भारत के अग्नि 5 से डर लगता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो संबंधित कोई जानकारी पूछनी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताएं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा, पर्सनली आपको जवाब दूंगा इसका। साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।